हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डा डेमोले आज आपका फिर स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, खाली समय में हम क्या करें, आप देखिए मैं आज किचन में फिर से खड़ा हूं। कल परसों मैंने आपको उत्पम बना के बताया था, आज भी मैं खाली समय में कोई नई चीज़ बना रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था हम 3 मई तक घरों में रहने वाले हैं, क्या करें। तो मैं आज बनाने वाला हूं आलू बड़ा, और ये कोई बहुत विशेष नहीं, सब जगह खाई जाती, लेकिन मैं इसमें थोड़ा कुछ नया करूँगा। और इसको महाराष्ट्र में कहते हैं बटाटा बड़ा, बड़ा पाव जिसके साथ खाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं एक अलग बनाऊँगा आज। तो आप मेरा ये वीडियो देखिए और देखने के बाद बताइए कैसा लग रहा है। इसकी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आलू बॉईल करके मैंने ये रखे हुए हैं, उसके बाद इसमें लगेगा बेसन, बेसन ये रखा हुआ है, थोड़ी सी हरी मिर्च काटी, धनिया, मसाले आमतौर पर सभी घरों में होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, राई, जीरा, सौंफ, ये सब है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और नमक, नमक के बाद थोड़ी सी चीनी। ये हमारी बेसिक सामग्री है। और ऑयल तो लगने लगना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल ये रखा हुआ है। तो हम बनाते हैं आलू बड़ा, आप इसको देखते रहिए कि ये कैसे बन रहा है। और बनता तो सभी के घरों में है, बाज़ारों में, थोड़ा सा अलग हम कुछ घर में बैठ के इसमें कर सकते हैं। तो वो क्या करने वाले हैं वो आप देखिए, और वीडियो मेरे देखने के बाद आप इसको बनाइए और खाइए, और वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप आखिरी में बताइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना आलू बड़े उर्फ बटाटा बड़ा। अब गैस चालू करके हमने जो कढ़ाई रख ली है, और कढ़ाई रखने के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल लेंगे। ये हमने थोड़ा सा इसमें तेल ले लिया है, अब तेल का गर्म होने का हम इंतज़ार करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा आप पहले सौंफ डालिए इसमें, तेल गर्म होने के बाद सौंफ डाल दी, जीरा डाली, खड़ा जीरा डालने के बाद थोड़ा सा राई, कई जगह इसको सरसों भी बोलते हैं, मस्टर्ड सीड बोल है, बाकी हमारे यहाँ राई बोलते हैं, तो हम राई ही बोलेंगे। इसके बाद इसमें अब नया इनोवेशन क्या है ये देखिए आप, लोग इसमें क्या करते हैं, सिर्फ आलू इसमें आलू डाल के और मैश करके और उसका वो बना लेते हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा सबसे पहले क्या करूँगा प्रारंभिक तरीके में, ये मैंने बेसन डाल दिया इसमें, ये देखिए अब आप, ये अब आप सोचेंगे कि ये किस तरीके का जो है बटाटा बड़ा बनने वाला है, लेकिन ये बहुत प्यारी मेथड है और बहुत काम आने वाली मेथड है ये। आप इसको बस देखिए, हमको बेसन डाल के थोड़ा सा इसको भूनना है, और हमें जब तक भूनना है जब तक हमारे बेसन से थोड़ी बहुत अच्छी सौंधी खुशबू नहीं आ जाती। आपको अच्छी तरीके से भूनना है इसको, कच्चा नहीं रह जाना चाहिए। इसको अच्छे से भूनने में करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है हमें। अब देखिए ये भुन गया है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब सबसे दूसरा इसका चरण जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मसाले डालना है, हमने हल्दी पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, तीन हमने इसमें जो है बेसिक चीज़ें डाल दी हैं। इसमें नमक डाला, नमक के बाद हमने इसमें डाली शक्कर, ठीक है, ये हमने डाला, और इसको हम एक बार फिर जो है अच्छे से मिला के चलाएंगे। अब इसमें जो है हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, ये देखिए आप, थोड़ी मद्दी आंच पे इसको जो है आप पानी ऐड करके अच्छा से इसको भून लीजिए इस तरह से। ये देखिए कितना प्यारा ये हो गया, हम इसको भी नहीं चिपकने देना है, और इसको हमें इस तरीके से भूनना है। इसमें थोड़ा सा जो है जीरा पाउडर डाल दीजिए आप ऊपर से, और थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है ना, ये गरम मसाला। दोस्तों ये बहुत शानदार फ्लेवर
देने वाली चीज़ बन रही है। आप इसको घर में जो है बिल्कुल ट्राई करें। अब इसको दोस्तों क्या करें, आप एक प्लेट में निकाल लें। ये हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है और इस रख लिया साइड में। अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल फिर लेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा। और तेल लेने के बाद वही प्रोसेस, तेल गर्म होने का इंतज़ार। तेल गर्म हो गया है, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा जीरा ये हमने ले लिया, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर सिर्फ जिसमें कलर चढ़ जाए ये हमने डाल दिया है। अब हमारे जो आलू हमने रखे थे उबाल के, हम उसको इसमें बिल्कुल इस तरह से डाल देंगे, बिल्कुल मैश करके सारे आलू को, है ना। इस तरह से आपको इनको बिल्कुल मैश करके जो है इसमें डाल देना है। और जो है एक चम्मच लेके आपको इनको चला देना है। इसमें थोड़ा सा हम आलू के हिसाब से थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने जो बेसन भून कर रखा हुआ था वो हम इसमें मिला देंगे, जिसमें आलू और बेसन अच्छे से एक सार हो जाए। हालांकि इसमें हाथ से करने वाली प्रक्रिया भी है, वो हम हाथ से करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको इसमें कढ़ाई में करके बता दे रहा हूँ, फिर हाथ से कैसे करना है वो आपको बता दूंगा। अभी इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती हम डाल देंगे, और अब इसमें ज़्यादा कुछ हमको करना नहीं है, इसको हमको एक प्लेट में निकाल लेना है, बड़ी थाली में निकालेंगे हम। ये हम इसको बड़ी थाली में निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये इसकी दूसरी स्टेप। अभी हमने कढ़ाई में बेसन आलू वालू सब एक सार करके लिया है, सब भून भान के। अब इसको जो है ये इकट्ठा हो गया है। अब हमको क्या करना है, इसको जो है साइड में, जैसा हम आटा लगाते हैं ना घर में, थाली में एक साइड कर देते हैं, उस साइड से हमको ऐसा कर देना है इसको, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब क्या करना है, हमको इसके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं, जितना बड़ा हमको अपने बड़े का साइज रखना है। तो घर में छोटा ही बनाए, क्योंकि बाज़ार में तो क्या होता है कि उनके पास कढ़ाई बड़ी होती है, 10-10, 15-15 लीटर तेल एक बार में रहता है, तो आराम से डिप हो जाते हैं। हमारी कढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा 4 होंगे, घर की कढ़ाई से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। तो बॉल हमेशा हम घर के हिसाब से छोटी रखें, क्योंकि तेल में यदि डूबेंगे नहीं तो सिक नहीं पाएंगे सही से। दो इस तरह से हम जो है तो दोस्तों ये हमने इसके बॉल बना लिए हैं, और इसको ऐसे ही डिप नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही डिप करके कढ़ाई में डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा एक शेप देना है, थोड़ा सा चपटा करना। इससे क्या होगा कि जो हमारा ऊपर से बेसन का जो रहेगा ना, वो बहुत अच्छा सा स्पंजी सीखेगा वो, है ना। ये तो देखिए ये तैयार हो गए हैं। अब हम इनको बेसन में डिप करने के बाद कढ़ाई में तेल में फिर डिप करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। ऊपर देखिए आप ये किस तरीके से बन के सामने आते हैं, आप इसको घर में ट्राई करना ज़रूर। लेकिन और अब हम इसको बेसन को थोड़ा सा करेंगे, इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दीजिए, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको, थोड़ा सा लगता है इसमें क्या, थोड़ा स्पंज अच्छा आ जाता है। और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा। अब हम जो है इसको घोल लेंगे।
अब जो है सही टेम्परेचर पे ये गर्म हो चुका है। अब हम देखिए इसमें हमारे रोल को लेके ये हमने छोड़ दिया। दोस्तों ये हमारे सिग्गे हैं, अब हम जो है इनको एक प्लेट में निकाल रहे हैं, है ना। ये हमने प्लेट में निकाल लिए हैं, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं बाहर। तो देखिए दोस्तों ये बन के हमारी तैयार है, आलू बड़ा, बटाटा वड़ा, जो भी कहना चाहें कहिए, और इसको पाव के साथ खाइए, घर में चटनी के साथ खाइए, कैसे भी खाइए। हम देखते हैं हमारे कैसे बने हैं। ये देखिए तोड़ के देखते हैं हम इसको। ये देखिए ये स्पंज, देखिए आप इसका, ये स्पंज इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये ऐसा बनाइए आप भी और खाइए। बहुत बढ़िया बने, आप भी बनाइए। 3 मई तक हम ऐसे ही घर में जब तक रहेंगे कुछ नया करते रहेंगे। आप बनाइए, खाइएगा, थोड़ा ज़्यादा बनाइए, हमारे आजू बाजू में जो है उनको खिलाइए, जिसको ज़रूरत है उसको खिलाइए, लेकिन बनाइए और खाइए और मज़ा लीजिए। और वीडियो कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।